हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इन्फॉर्मर। सो गाइस, आज का टॉपिक है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासेस ऑफ रोलर, मतलब रोलर का कितना पास रिक्वायर्ड होता है कॉम्पेक्शन के लिए। दोस्तों, हमने जो भी कैलकुलेशन इस वीडियो में यूज़ करेंगे वो एस पर IRC SP 97-2030 की अकॉर्डिंग है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है FDD, मतलब फील ड्राई डेंसिटी। FDD इज इक्वल टू 1.065 प्लस 0.033 इंटू मॉइस्चर कंटेंट प्लस 0.084 इंटू नंबर ऑफ पासेस। दोस्तों, इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो टर्म एंड कंडीशन है वो है, पहला नंबर है मैक्सिमम लेयर ऑफ थिकनेस लेस देन 200 mm, दूसरा है मिनिमम रोलर कैपेसिटी 8 to 10 टन वाइब्रेटर रोलर, तीसरा है स्पीड ऑफ रोलर लेस देन 5 km/h। दोस्तों, ये दो तीन टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। दोस्तों, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए FDD यानी फील्ड डेंसिटी 1.90 ग्राम पर cc एंड मॉइस्चर कंटेंट 11%। तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो FDD इज इक्वल टू 1.065 प्लस 0.033 इंटू मॉइस्चर कंटेंट प्लस 0.084 इंटू नंबर ऑफ पासेस। इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पासेस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ पासेस इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा 5.61 पासेस, यानी 6 पासेस लगाना पड़ेगा प्रॉपर कंपैक्शन के लिए।